अपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते, क्या कहेंगे आप? ईवीएम का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और 2014 में इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, तो हार क्यों गए भाई? मेरे होम मिनिस्टर तक को जेल में डाल दिया था, तो हार क्यों तो गए वो? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक तो कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी। और इतना बड़ा देश एक म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते भाई, जरा करके देखो, ये संभव होता है क्या फिक्सिंग? क्या क्या दुनिया को मूर्ख बना। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसी बातें करने वालों को आप मीडिया के लोग उनको पूछने के बजाय हमको पूछते हो। मोदी जी थोड़ा सा लेकिन इसमें एक बात चौकस है जी, मैं मानता हूं पिछले कई दिनों से इंडिया अलायंस के लोग इतने निराश हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने ढूंढना बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए उनको इसलिए मैं समझता हूं शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंढ रहे हैं कि पराजय के तर्क क्या होंगे, शायद उसी की उनकी इंटरनल एक्सरसाइज है ये। मोदी जी